हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम आगे का चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट चैप्टर आ चुका है स्टूडेंट्स, सेकेंड भी आ चुका है, थर्ड भी आ चुका है, ठीक है। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स फोर्थ चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जो कि डिजिटल डिवाइसेज सिक्योरिटी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर साइबर सिक्योरिटी चैप्टर का नाम ये है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेंगे और इंग्लिश मीडियम में रहेंगे, ठीक है। मतलब कि स्टूडेंट्स आप लोग को कन्फर्म अगर बताना चाहें कि किस मीडियम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इंग्लिश में तो पक्का आएगा, ये तो गारंटेड है। उसके बाद स्टूडेंट्स हो सकता है हिंदी में भी आए, ठीक है, लेकिन कन्फर्म नहीं कर सकते कि हिंदी में भी आएगा या नहीं आएगा। हमको लगता है कि आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब लोग हिंदी इंग्लिश समझ नहीं पाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसीलिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए चलते इस चैप्टर में। उससे पहले अगर आप चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं आप लोग को टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लाभ आप लोग इससे उठा पाएँ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलते शुरू करते हैं। एजुकेशन इस चैप्टर में यहाँ पर देखिए, आप लोग को समझने वाली बात यह है कि डिजिटल डिवाइसेस सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, ठीक है, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, इससे रिलेटेड जितने भी हो गया, पीसी हो गया, तो ये सब क्या है, डिजिटल डिवाइसेस हैं, इनकी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो डाटा जो है स्टूडेंट्स कहीं भी थर्ड पार्टी के पास जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए टूल्स मतलब क्या हुआ, टूल्स मतलब कौन कौन से टूल्स हैं जिनके माध्यम से जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनको सिक्योर कर सकते हैं। एंड टेक्नोलॉजीज, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज हैं जिसके माध्यम से सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं अपने डिजिटल डिवाइसेस को, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू साइबर अटैकर्स कॉमनली टारगेट फॉर फेचिंग आईपी एड्रेस ऑफ अ टारगेट और विक्टिम यूजर। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से मतलब कि क्या क्या फॉलो करते हैं वो, ठीक है। साइबर अटैकर्स कॉमनली टारगेट फॉर फेचिंग आईपी एड्रेस का ही वो मतलब फेच करने का प्रयास करते हैं, और टारगेट और विक्टिम यूजर, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आईपी ट्रैकर, ईमेल्स, वेबसाइट्स, वेब पेजेस, मतलब इनको पता करने के लिए वो क्या करते हैं, ठीक है। तो एक नंबर का सही आंसर सी नंबर, यानी कि वेबसाइट से करते हैं पता, यानी कि उनका वेबसाइट वगैरह हैक कर लिया या फिर कुछ भी कर लिया, ठीक है। हैक कैसे करते हैं, जब उसका कोई डाटा उनको पता चल जाता है, ठीक है, तब OTP वगैरह बता देते हैं, तब वो कर सकता है हैक, अन्यथा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को भी सुरक्षित रहना है आगे जाकर, जब आप लोग भी वेबसाइट बनाइएगा कुछ बढ़िया काम कीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज एन अटेम्प्ट टू हार्म, डैमेज और काउज थ्रिएट टू अ सिस्टम और नेटवर्क, यानी कि कौन कौन से मतलब कौन सा चीज़ है जिसके जो डिफाइंड करता है जो सिस्टम्स होते हैं और नेटवर्क होते हैं उसको डैमेज या हार्म करने वाला, ठीक है। तो डिजिटल क्राइम, थ्रिएट्स, सिस्टम हैकिंग, साइबर अटैक, तो टू नंबर का सही आंसर डी नंबर, यानी कि साइबर अटैक, उसमें ही इतना कुछ इतना सारा चीज़ होता है, ठीक है। आगे देखिए, दे आर नेफेरियस हैकर्स एंड देयर मेन मोटिव इज टू गेन फाइनेंशियल प्रॉफिट बाय डूइंग साइबर क्राइम्स, हु आर दे रिफर्ड टू हियर, यानी कि जो उनका मोटिव क्या होता है, जितने भी पैसे हैं ना और रिलेटेड सारा वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो आप जो प्रॉफिट है वो सारा अपना लेना चाहते हैं दूसरे का मेहनत वाला, तो देखिए क्या है, डूइंग साइबर क्राइम्स, इसीलिए वो साइबर क्राइम करते हैं, ठीक है। तो हु आर मतलब कौन है जो रिफर्ड करता है इसमें से, तो वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, मतलब किसके लिए ये शब्द है, ठीक है। तो वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, एक्टिविस्ट्स, ग्रे हैट हैकर्स, इसे एक क्वेश्चन रहेंगे सर, ठीक है। वाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स, हमको लगता है ये रहना चाहिए, लेकिन अब देखिए क्या होता है। थ्री नंबर का क्वेश्चन से थ्री नंबर का बी है, ठीक है। ब्लैक हैट हैकर, जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वही उन्हीं के लिए ये है, फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए वो साइबर क्राइम करते हैं, मतलब साइबर क्राइम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आईटी सिक्योरिटी इन एनी फर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मेंटेन्ड एंड हैंडल्ड बाय, मतलब कि जो आईटी सिक्योरिटी है और फर्म ऑर्गेनाइजेशन है वो मेंटेन जो होता है वो किसके द्वारा हैंडल किया जाता है, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी ऑडिटर,
ऑडिटर आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर, तो 4 नंबर का सही आंसर डी नंबर, आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर। ठीक है, आगे देखिए क्या है। 5 नंबर, वेयर डिड द टर्म हैकर ओरिजिनेट, तो मतलब कि जो हैकर्स होते हैं वो कौन से टर्म में करते हैं, यानी कि MIT, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, मतलब कि कहाँ से, मतलब एक तरह से सीखते हैं या फिर क्या कुछ, मतलब इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, ओरिजिनेट होना चाहिए। ठीक है, तो MIT से या फिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या बेल्स लैब से, तो 5 नंबर का सही आंसर ये नंबर, यानी कि MIT। ठीक है, आइए देखिए। व्हाट इज द एक्सिस्टेंस ऑफ वीकनेस इन अ सिस्टम और नेटवर्क इज नोन एज, यानी कि जो सिस्टम्स का वीकनेस होता है वो नेटवर्क, जो सिस्टम मतलब वीकनेस इन अ सिस्टम, ठीक है, जो सिस्टम उसके अंदर वीकनेस आ रही है यानी कमजोरी आ रही है, कमजोरीपन आ रही है, तो उसको उस नेटवर्क को किस नाम से, मतलब नेटवर्क को क्या हो गया या फिर कुछ इस तरह से। ठीक है, देखिए, अटैक एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी थ्रेट, यानी उसके साथ क्या हुआ एक तरह से कह सकते हैं। तो जो 6 नंबर का सही आंसर है सी नंबर है, यानी कि वल्नरेबिलिटी। ठीक है, आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट स्कैम डन बाय साइबर क्रिमिनल्स वेयर द यूजर इज कन्विंस्ड डिजिटली टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जो इंटरनेट स्कैमर होते हैं साइबर क्रिमिनल्स, वो जो कन्विंस्ड डिजिटली टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो कन्विंस्ड कर लेते हैं डिजिटल जितने भी डिवाइसेस हैं उनको, और फिर क्या होता है प्रोवाइड मतलब बहुत ही ज़्यादा कन्फर्मेशन के साथ वो प्रोवाइड कर लेते हैं, कर देते हैं। ठीक है, उसका इन्फॉर्मेशन तो किस में है, कौन से अटैक में, MITM अटैक, फिशिंग अटैक, वेबसाइट अटैक, डोस अटैक, तो 7 नंबर का सही आंसर है बी नंबर, यानी कि फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक से क्वेश्चन रहेंगे 2-3 तो ठीक है, आप लोग पढ़ के जाइएगा और बढ़िया। और आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप फॉलोड बाय साइबर क्रिमिनल्स इन डाटा ब्रीचिंग, इनमें से कौन सा स्टेप है जो फॉलो नहीं करते हैं साइबर क्रिमिनल्स। ठीक है, एक्सफिल्ट्रेशन, रिसर्च एंड इन्फो गैदरिंग, अटैक द सिस्टम, फिक्सिंग द बग्स, तो 8 नंबर का सही आंसर डी नंबर, फिक्सिंग द बग्स, ये नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेसी कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड यूजिंग टॉर, जो ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेसी वो कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं टोर को यूज करते हुए, तो देखते हैं क्या है। ब्राउजिंग डाटा, इंस्टेंट मैसेजिंग, लॉगिंग यूजिंग आईडी, रिले चैट्स, तो 9 नंबर का सही आंसर सी नंबर, लॉगिंग यूजिंग आईडी। तो आप लोग को सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप लोग जहाँ भी लॉगिन करते हैं वहाँ लॉग आउट भी कर लिया कीजिए। ठीक है, अब 10 नंबर का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ हैकर्स हु आर बोथ वाइट एंड ब्लैक हैट, तो जो फॉलो करते हैं रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ हैकर्स, यानी कि जो अपने जो जाते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला टर्म उनका रहता है ग्रुप, अपने ग्रुप को दे देते हैं। ठीक है, और हैकिंग करने के लिए जितना भी इन्फॉर्मेशन उसके पास होता है, तो उनका वो किस नाम से जानते हैं, वाइट एंड ब्लैक हैट, कौन सा, या येलो हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स, रेड हैट हैकर्स, वाइट ब्लैक हैट हैकर्स, तो 10 नंबर का सही आंसर ग्रे हैट हैकर्स। ठीक है, तो आपका आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। आप लोग अगर चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा ताकि और ज़्यादा बच्चों के पास जाए। ठीक है, जिस प्रकार आप लोग पसंद करते हैं वीडियो को है लाइक कर दे तो और स्टूडेंट्स के पास जाता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर से किया कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, और कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर से आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है, और प्राइवेट ग्रुप भी आप लोग के लिए बनाएं तो वहाँ भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।